जितना हमारे लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है उतना ही हमें फिट रहना और स्ट्रांग रहना भी जरूरी होता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह रावत है, मैं इंद्रापुरम कराटे स्कूल और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन से हूँ एंड नीति गठबंधन में मेरी अकेडमी चलती है इंद्रापुरम कराटे स्कूल के नाम से। हमारी 6 ब्रांचेस हैं, वैशाली, इंद्रापुरम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, शास्त्री नगर, नोएडा एंड गाजियाबाद। तो हम लोग टाइम टू टाइम अमर उजाला के साथ जैसा पढ़ पा रहे हो सबसे अपराजिता के तहत गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस और फिटनेस के कुछ टिप्स बताते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको 50 टेक्निक बता दें और 50 के 50 आपको समझ में आ जाए, पर 50 में से अगर 5 टेक्निक आप ध्यान से ओपन माइंड से देखोगे तो आपको वो कभी ना कभी काम आएगा, क्योंकि देखो सीखने की कोई एज नहीं होती और जितना भी आप सीखोगे वो कभी ना कभी आपको काम ही आएगा। जैसे हम स्टडी करते हैं अपना अकेडमिक क्वालिफिकेशन जितनी जरूरी है उतना ही अपने शरीर पर ध्यान देना भी जरूरी है। आप लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते होंगे, कोई भी फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है या स्किपिंग है, कुछ भी है, तो आप फील करते होंगे जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं वो थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी रहती है। दूसरा, आप अगर हेल्दी खाने पर ध्यान दोगे थोड़ा सा, यानी जो घर का खाना खाते हैं हेल्दी खाते हैं, बैलेंसेबल डाइट लेते हैं, उनकी बॉडी और ज़्यादा फिट रहती है। तो अगर आपको फिट रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो थोड़ा सा आपको डाइट पे और थोड़ा सा आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, इस पर अगर आप थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव डे भी ध्यान देते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहता है। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा समय अपने वर्कआउट को भी देना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो वो आराम से पूछ सकता है, कोई सम्मानी जरूरत नहीं, जिंदगी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सेल्फ डिफेंस की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है सेल्फ डिफेंस का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? आत्मरक्षा, यानी कि अपनी रक्षा करना। अगर आप कहीं भी घर से निकलने के बाद स्कूल के लिए जा रहे हो, कॉलेज के लिए जा रहे हो, बड़े हो जाओगे जॉब के लिए भी जाओगे या मार्केट जा रहे हो, घर से हम निकलते हैं तो सियोरिटी नहीं होती कि रास्ते में आपको किस प्रकार के लोग मिलेंगे और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी ने मोबाइल छीन लिया, किसी की चैन छीन ली, पर्स छीन लिया, होता है ना कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने टीवी में देखा होगा, कुछ लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, ये आए दिन चलता रहता है। क्योंकि समाज में, सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते और सारे अच्छे भी नहीं होते। तो हमको किसी का शिकार होने से बढ़िया है, बेहतर है कि हम लोग अलर्ट रहें, चौकन्ने रहें। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये रखना चाहिए कि भाई जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे आप स्कूल के लिए निकल रहे हो, कोचिंग के लिए निकल रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए निकल रहे हो, अब हर समय आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर या रिलेटिव आपके साथ नहीं रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। कई बार ऐसा होता है क्लिनिक जाना होता है, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले चौकन्ना, अलर्ट रहने की जरूरत है। जब आप सड़क पर चलते हो तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो मोबाइल चलाते हुए चलते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, यानी मोबाइल में पूरा ध्यान होता है उनका। पैदल चल रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, सीढ़ियों पर जा रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, और कुछ बच्चे जा सकते हैं स्कूल में मोबाइल में लगे जाते हैं। तो हमेशा मोबाइल में ही खोए रहना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब पीछे से कौन आ रहा है आपको पता नहीं, कौन सी गाड़ी आ रही है आपको पता नहीं, एटलीस्ट कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो अलग चीज़ है, नहीं तो आपको सड़क पर चलते हुए मोबाइल को पॉकेट में रखना चाहिए और सामने वाले को बता देना चाहिए आपके पास कौन सा मोबाइल है। अगर फिर भी मान लो कोई कॉल आता है, आप जैसे इधर से जा रहे हो, राइट हैंड पे आपका रोड है जो चल रहा है, उसका तो समझो थोड़ा सा, अगर आपका कॉल आ रहा है ऐसे भी आपको पॉकेट से मोबाइल कान पे रख के सुनते हुए चलोगे, इधर ही रोड चल रहा है, बाइक को भी रोड के आएंगे मोबाइल पकड़ के छीन ले जाएंगे, ऐसे होता है ना। अब वो बाइक में आप पैदल को पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ लो कंटिन्यू पाओगे ना, छीनते हो बहुत तेजी से भागेंगे, मोबाइल गया, 4-10,000 का है, 20,000 का, 10,000 का है, मोबाइल का लॉस हो गया, उसके जो आपको पर्सनल डाटा था वो खत्म और सारा चीज़ खत्म। अब इसमें अगर आपको फोन सुनना है तो राइट हैंड की बजाय अब इधर अगर रोड चल रहा है तो आप लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ईयर में सुनो, तो जब इधर फोन पकड़ा हुआ है तो इधर से छीनने में मुश्किल होगी, अगर आप नॉर्मली इधर चलते हुए बात कर रहे हो तो आराम से कोई भी छीन लेगा, समझ आया ना।
यानी आप इधर चल रहे हो, इधर रोड चल रहा है, अगर आपने इधर से फोन पे पकड़ा हुआ है तो इजीली छीन के चला जाएगा, बट जब इधर है तो कोई ऐसे घुमाने थोड़ी छीनेगा, वो तो पास आएंगे छीनते हो वहां जाते हैं। दूसरा, कभी भी सड़क पे चलते हो तो आपके सामने कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, लेफ्ट में कौन चल रहा है, राइट में कौन चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आप ध्यान नहीं देते हो, ट्रैफिक यात्रा ऐसी होती है, बच्चा अपने धुन में मस्ती जा रहा है, अचानक भी आया, नोट बुक सुनाया, उठा के ले गए, या कुछ भी छीना और भाग गए, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले आप चौंकने का होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, सबसे पहले घबराना या डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन है, या तो आप सत्ता में चौंकने होते उस सिचुएशन से लड़ो और उसे निश्चित के साथ निकलो। दूसरा ये है, आप बैठना रोने लगे हो बस, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और अगर कुछ पॉइंट्स आपको आपके मार्शल आर्ट के सेल्फ डिफेंस के, तो वो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कोई भी दूसरा चल रहा है, जैसे क्या रहा हूँ बस आप करो क्या अच्छा दोनों की क्लैपिंग करो। कई बार हम लोग सड़क पर करते हैं तो सब टाइम क्या होता है, वो शोल्डर पे हाथ रख के जब हाथ पकड़ लेते, तो उससे हमें अपने आप को कैसे बचाना, तो अभी हाथ छुड़वाना कैसे ये देख पाए, दो तीन टैक्टिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत यूजफुल है। सबसे पहले अगर कोई हाथ पकड़ ले तो तुरंत आपको अपनी तरफ खींचना है, ऐसा नहीं कि आप जरूर खींचे चले गए, थोड़ी बहुत ताकत तो लगाएंगे, चाहे आप ताकतवर कम हो या ज्यादा। अब इसमें देखा गया कि एक तरफ चार फिंगर है, 1 2 3 4 चार फिंगर है, एक तरफ अकेला अंगूठा है, प्रॉब्लम। अब क्या करना है, आपको अपनी तरफ खींचना है, अब सामने वाला अपनी ताकत दिखाएगा, फिर आपको और खींचना है, थोड़ा सा नीचे बैठना, थोड़ा सा नीचे बैठना, यानी कि इन्होंने अपनी तरफ खींचा, इन्होंने अपनी तरफ खींचा, आपको क्या करना है, झटके से घुमा देना अंगूठा कुर्सी की तरफ, ऐसे पुश कर देना आपका, समझ में आया। यानी कि अगर कोई पकड़ेगा तो आप अपनी तरफ खींचोगे, सामने वाला अपनी तरफ खींचेगा, आप और खींचोगे, सामने वाला तरफ खींचेगा, आपको झटके से उसी तरफ, यानी आपने हाथ उधर कर देना है तो तुरंत ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जब आप हाथ को ऐसे करके छुड़ाओगे तो जिधर फिंगर्स होती हैं उधर छुड़ाओगे तो नहीं छुड़ेगा, बट अगर आप थंब की तरफ ऐसे करोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा द्वारा, अभी देखो जैसे इन्होंने आपको बताया, आपने कराटे भी सीखे ना, कराटे भी सीखे ना, ताइक्वांडो भी सीखे ना, अभी देखो ध्यान से करो, हाथ पकड़ा है, अब हाथ खोल लो, इस हाथ को सीधा खींचे करो, पैर कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक बार राइट करो, आप पकड़े हो गली, अब एक बार लेफ्ट करो, लेफ्ट, फिर दोबारा राइट करो, फिर लेफ्ट करो, अब ये घुमा के लिए हाथ इनका दो हाथ पहले, ठीक है, दोबारा करो, एक बार ध्यान दो, थोड़ा सा हाथ को सीधा करना है, नीचे की तरफ ले जाना है, हल्का सा राइट में मूव करना है, फिर लेफ्ट ले जाना है, फिर आपके दोबारा से राइट मूव करना है, आप टाइट पकड़े रखो, ये स्पीड से लेके ऐसे करना है। अब ये देखो हाथ पकड़ गया, आप यहाँ मार सकते हो, आप इसको घुमा सकते हो, आप यहाँ पर पंच कर सकते हो, किक में अटैक कर सकते हो, समझ आ गया। यानी कि अगर आप हाथ को सीधे नीचे ले जाएंगे, राइट घुमाएंगे, एक दम से मूव करके उसका हाथ आपके हाथ में आ जाएगा, आप उसका हाथ तोड़ भी सकते हो, मोड़ भी सकते हो, और आप अटैक कहीं भी कर सकते हो, किक पे कहीं घुटने पे कर सकते हो, और पेट पे भी कर सकते हो, फेस पे भी कर सकते हो, समझ आया। दूसरी बात, हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ो, ना कराटे दिखाने की जरूरत है, ना ताइक्वांडो दिखाने की जरूरत है, ना कोई मार्शल आर्ट दिखाने की जरूरत है, ना थोड़ा सा हौसला होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। एक हाथ पकड़ा है, दूसरा हाथ खाली है, खींचा के चाटा मारो, पटा यानी ताकत वो होनी चाहिए, एक चाटे में वहां जाना पड़े, और वो उसी मोटे को सही से खाता होगा, एक्सरसाइज करता होगा। ये नहीं है कि आप सैंडविच खाने आ रहे हो, दोपहर को पास्ता खा रहे हो, शाम को स्किप कर दिया डिनर, कहीं पेट ना बढ़ जाए, तो उनमें क्या नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गया। यानी कि अगर आप एक हाथ से किसी ने पकड़ा है तो दूसरे हाथ से आप अटैक कर सकते हो। द्वार को मैंने अंगूठे वाला बता दिया, इधर से तुमको नहीं पढ़ाना है, अपने को खींच के दूसरी तरफ छुड़ा सकते हैं। अब हाथ घुमाया, उल्टा हाथ पकड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यहाँ से हाथ यहाँ से तीन जगह से तोड़ सकते हैं, अब यहाँ से ऐसे करके कितनी मार सकते हैं, अब दूसरे हाथ से आप स्लैप मार सकते हैं, पंच दोस्त में मार सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मारने का मन नहीं है कि मुझे मारना नहीं है, तो आप तो ये ऐसे करके अंगूठा ले जाओ, आइस में अंगूठा लगा दो, ये पूरा पैस कर सकते हो, आइस को ऐसे पकड़ के यूँ कर सकते हो, फिर उसका किक मार सकते हो, ठीक है। मेरे 5-6 टेक्निक्स हैं जिससे आप इजीली अपना हाथ इजीली से छुड़ा सकते हो, समझ में आया।
तो इन दोनों के लिए क्लैपिंग करो तुम्हारे से। मन्नत और वैष्णवी के लिए क्लैपिंग करो। अभी मैंने जो हाथ वाला सिखाया था समझ में आया? ऐसा थोड़ा दूसरे को सभी को समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है आपको डरना नहीं है। अगर कोई एक हाथ से पकड़ेगा तो दूसरा हाथ आपका फ्री है, किक आपकी फ्री है, हेड आपका फ्री है, एल्बो आपकी फ्री है, आपके पास 10 ऑप्शन है मार देने, ठीक है। बट अटैक आपको ऐसा करना है बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। जैसे आप मुंह से मार सकते हो, आइस से मार सकते हो, गले पे मार सकते हो, ठीक है। और अगर एक अटैक से कुछ नहीं होता तो बैक टू बैक 2, 3, 4, 5, 10 अटैक भी कर सकते हो, पर नॉन स्टॉप करना है और करते जाना है, छोड़ देते विद साउंड, यानी कि चिल्लाना इसके जरूरी है कि जब आप चिल्ला के किसी के ऊपर अटैक करते हो तो सामने वाला घबरा जाना कर जाता है, ठीक है। अगर आप रोने लगोगे, डर जाओगे, तो सामने वाले का हौसला जो है बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है। बट अगर आप साउंड करके चिल्ला के उसको धमकाते हो फिर दोगे तो वैसे नर्वस होकर डाउन हो जाएगा, घबरा जाएगा। समझ में आया? आपने देखा होगा कोई भी जानवर है, शेर को लेते चलो, शेर अगर आराम से दबे पैर आया काट के तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट वो आपके सामने आने से दहाड़ दे तो आदमी वैसे डर जाता है, अरे शेर आ गया। तो वॉइस का आवाज का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी अटैक करोगे पूरे साउंड के साथ चिल्लाने करना है। तो मैं आगे का बताता हूँ। समटाइम क्या होता है, लड़कों में या बाहर भी कहीं भी हाथापाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे ज्यादा स्लैप चलता है, किसी ने स्लैप मार दी, चटा ध्यान से देखो तो स्लैप को आराम से ये देखो तुम्हारा देखो, हाँ ये लोग इन्होंने स्लैप किया, इन्होंने प्यार से खा लिया। अब आप देखो स्लैप को, ठीक है, कितने आता है मारना और खाना। अब सुनो ध्यान से, सभी हाथ ऐसे करो, ओपन करो, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, आसान है समझ मारे। आप भी देखो लेफ्ट या राइट, कभी भी कोई अटैक करेगा या तो लेफ्ट हैंड से करेगा राइट से करेगा, मोस्टली ऐसे मारेगा चाटा मार रहा है, देखा किसी को लड़ाई हो गई आप उस पर जम्प करके किसी में ऐसे थप्पड़ मार रहा है, नहीं है ना, बस बस लेकिन राइट हैंड से स्लैप करो आराम से, ये यानी कि देखो आपने थोड़ी देर पहले जो स्लैप मुंह पे खा दिया था उसका ब्लॉक कर सकते हैं ना, यानी कि आई कॉन्टेक्ट बनाते सामने देखते हुए आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार फिर से आप ब्लॉक करो, आप ब्लॉक करो। अब बेटा कोई क्लास में ट्राई मत करना, अभी आपस में ट्राई मत करो और घर जाके पहनने के सामने मत करना, अरे सीख लो अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। चलो सब समझ में आया, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, दो ऑप्शन है। अगर एक तो ये है किसी ने थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, थोड़ी देर बाद आप खूब बातें कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, घर आपसे बातें करने के लिए डिस्कस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अभी ध्यान से सुन लो समझ लो। कोई स्लैप मारेगा तेजी से मारेगा, ऐसे नहीं मारेगा, खींच के मारेगा, देखो हाथ यहाँ पर है, कोई ऐसे टाटा नहीं मारता, टाटा मारने वाला ऐसे करेगा फिर मारेगा, वो जो हाफ सेकंड या एक सेकंड होता है ऐसे करने वाला, उसी में आपको सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है, या तो उसकी रेंज से अलग हट जाओ, जैसे मान लो यहाँ से किसी में टाटा मार रहे हो तो आप उससे पीछे हट जाओ, पीछे हट गए तो वो खाली जाएगा, फिर आप उल्टा उसको मार सकते हो। दूसरा देखिए टाइकोंडो में जाके फास्ट मूवमेंट होता है, अटैक करता है सामने को, पीछे हट जाते हैं, साइड हट जाते हैं, बच के फिर अटैक करते हैं, तो उसी तरीके से किसी ने स्लैप मारा फिर से आपने पीछे कर लिया बच गए, दूसरा स्लैप मारा थोड़ा सा पीछे हुआ ब्लॉक कर लिया। अब इसी में जैसे स्लैप मारा ब्लॉक किया गिर गया, ब्लॉक करके ही इसको पकड़ लेना है हाथ को, ऐसे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद दूसरा स्लैप कर लो, पंच मार सकते हो, पंच ऐसे मार सीधे मार, ठीक है, पंच मार सकते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं, किन मार सकते हैं, ठीक है। अक्षिता के लिए क्लैपिंग करो जोरदार। अभी
हाथ में पकड़ने कैसे छुड़ाते हैं वो बताया, कोई अगर हाथ के अलावा स्लैप करता है उससे कैसे बचना है वो बताया। अब कई बार क्या होता है आप उन्हें डर लगता है, कोई कंधे पार कर देता है, उनको माल पकड़ देता है मान लो, ठीक है। अब चोटी पकड़ ली मान लो, अब ये चोटी पकड़ ली, ये तो बाल पकड़ ली है, बाल खींचने में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, हल्का करना है, अगर चोटी पकड़ी है तो चोटी पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। और अगर आप किक अच्छी कर सकते हो तो उठा के पेट पे किक कर सकते हो, अगर किक नहीं कर सकते तो टर्न करके सीधे फेस पे पंच मार सकते हो बहुत जोर से, ठीक है, टर्न करके कर सकते हो। और मान लो किसी ने पीछे से पकड़ लिया ऐसे करके, ऐसे आप लोग किसी ने ऐसे बाल पकड़े तो किसी ने आपको झटके से ऐसा हाथ मारना है, हाथ मार के छुड़ जाएगा, तो पंच कर सकते हो या किक कर सकते हो, समझ में आया। सेकेंड, आप मान लो कोई गला पकड़ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई गला दबाएगा तो जान से भी मार सकता है। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले अपने गले को सेफ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जहाँ चीनना है वो नीचे दबाना है और पूरी ताकत से दबाना है, यानी तो गले का स्पेशल लगाना से करके वो कोई दबा ना सके। दूसरा पॉइंट, अगर गला पकड़ लिया है तो नीचे करने से उठा देते हैं गला उसके हाथ में, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट को लेफ्ट या राइट करो, सब अपना टकला मोड़ो अपने हाथ से, आप हाथ करके मोड़ाओ, दब रहा होगा, दब रहा है ना, आप ही क्या करो गला पकड़ के पूरा लेफ्ट कर लो, और अब हम इस तरह के देखोगे कि वो टाइट हो गया है, गर्दन की जो मसल्स है वो टाइट हो गई है, वो इजीली कोई दबा नहीं पाएगा। लेफ्ट या राइट जो भी कंफर्टेबल हो, पूरा टर्न करके मसल्स को टाइट करना है, करो। देखो जिधर से गला पकड़ा है उधर से हाथ पकड़ना है, ठीक है। ये जॉइंट का एल्बोकल जॉइंट होता है, ये हिस्सा होता है जॉइंट का, इस पर पूरी ताकत से चल के ऐसे मारना है, जब आप ऐसे मारोगे ये हाथ उड़ जाएगा, ये उड़ गया आप ये रहा, आप इसको पूरा कॉल कर देना, इसको उठाना पीछे लोड कर दिया, अब जितना ज्यादा मूव कर सकते हो करो, पैर पीछे पैर लगाओ और उठा के बता सकते हो, धक्का दे सकते हो, पंच मार सकते, समझ में आया। एक बार पीछे बता रहा हूँ, गला पकड़ो इसे हाथ से पकड़ो, अब ये ऐसे मारो बाहर के, हाँ ये रोल कर दीजिए, अब आप गिरा सकते हो, ठीक है, समझ में आया। इसको ऐसे पकड़ के नीचे भी गिरा सकते हो, पंच भी मार सकते हो, एल्बो भी मार सकते हो, नी भी मार सकते हो, वो आप किस गिरा सकते हो, समझ में आया। ये सुनो पक्का, थोड़ी सी यूजफुल लग रही चीजें, पक्का ये बंद करो, बताओ आगे, थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनाए रखो। अभी क्या है, दोनों हाथों से कोई गला पकड़ लेते ऐसे खड़े यहाँ पे और धक्का देके गला पकड़ लो, अब दोनों हाथों से गला पकड़ लिया, दबा दबा गला पकड़ लिया। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, जिसका गला पकड़ा है उसको नमस्ते बोलना है, नमस्ते। अब दोनों हाथ झटके से खोल ले, बोलो फरमाया, अब सामने से देख लो, गला पकड़ो, गला पकड़ा, नमस्ते, पास बिल्कुल बात नहीं आगे, नमस्ते करना है और पूरे झटके से आगे को बोल रहा है, ठीक है। हाथ आराम से दोनों छू लेंगे, फिर उसके बाद आप कीप भी कर सकते हो, दोबारा बोल रहे तो ये है, दूसरा ये है, दोनों हाथ बाहर से निकालो, पंच बनाओ, पूरी ताकत से उछल के यहाँ पे जॉइंट में मारना, ऐसे करना, जब आप मारोगे तो छूट जाएगा, छूटने के बाद आप पंच कर सकते हो, ठीक है। भी छुड़ा सकते हो, ऊपर से अटैक करके गिरा सकते हो, और अगर ये भी काम ना आए दुआ बोलो, ये वाला हाथ जो है इस वाली हथेली को यहाँ मारना है, इस वाली हथेली को यहाँ मारना है, उसके बाद पंच लोज पे मारना है, 1 2 3, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए ठीक है, जाओ क्लैपिंग में दोनों के लिए, अच्छी तरह क्या भी करो, ओके। अभी मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए कुछ समझता है आपको, सुन रहे हैं पक्का, यूजफुल है। चलो अभी क्या होता है, कई बार क्या होता है, इधर पीछे कई बार देखो ऐसा होता है, हम लोग फिर खड़े और अचानक से कोई पीछे से आगे पकड़ लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर कोई पीछे से पकड़ ले तो कैसे छुड़ा सकते हो, आपको पकड़ लो, सबसे पहले अगर कोई पकड़ता है ऐसे करके तो आपको विद इन सेकेंड टाइम भी लगा ना,
विदिन सेकंड ये वाली है उसको मुंह पे मार दिया ठीक है, एक सेकंड में जब किसी ने पकड़ा तो आराम से कदम में पकड़ लिया, एक सेकंड में आपको मारो, अगर नोज पे आपको लगेगी और आप खाने के लिए कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगी। अभी क्या दोबारा मारो, आप कई बार ऐसा होता है जैसे ही आपको मारी आपको मारो भाई और फिर इधर कर लिया, यानी आपको मारी फिर इधर कर लिया, आप इधर हो जाओ थोड़ा सा दोबारा देखो ध्यान से अगर सेकेंड लोकेशन पे कोई बंदा किसी को ले जाता है
सो इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव. बिल्कुल लोग सर्वाइव करते हैं, बट हाँ उस सिनेरियो में एक ऐसी लोकेशन पे जाना जहाँ आपके आपकी कोई नॉलेज ही नहीं है, वो उस सिचुएशन में सर्वाइव करना हार्ड है. तो पहले तो ये ट्राई करना कभी अगर आपके साथ ऐसा हो कि जो कहीं पर है आपको किसी सेकेंड लोकेशन पर ना ले जाना. दूसरी बात ये कि जैसे कि पोनी टेल हो गई या फिर छोटी हो गई, दीज आर सम ऑफ द ईजिएस्ट हेयर स्टाइल्स टू ग्रैब. देखो मेरे को कोई आराम से पीछे से पकड़ के खींच सकता है और मुझे पता भी नहीं चलता, बट अगर मान लो मेरे बाल खुले हुए हैं तो इट्स हार्ड फॉर अ पर्सन टू ग्रैब माय हेयर. नॉट सेइंग यस कि ये करना सबको बाल अपने खुले रखना जरूरी है, बट हाँ पब्लिक सिचुएशन में मोस्टली इट इज ईजी कि अगर कोई टाइट हेयर स्टाइल हो तो वो पकड़ा जा सकता है. उसके बाद उन क्रिमिनल से बात करते हुए मुझे ये पता चला कि अगर कोई जैसे मतलब मान लो कोई आपके किसी एनकाउंटर किसी ऑफर के साथ होता है, कोई आपसे बोल रहे हैं कि चलो पैसे निकालो अपना फोन निकालो, तो ये ट्राई करो कि अपना फोन या जो भी उससे मांग रहा है उसकी तरफ देखो और आंसर मत करो, क्योंकि 99% चांसेस ये होते हैं कि उसको आपके सामान में इंटरेस्ट, जैसे आपने इंटरेस्ट लिया तो सामान दो और अपनी जान के लिए भागो, क्योंकि सामान तो आप वापस ले सकते हो बट आपकी लाइफ इज जस्ट वन राइट. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो. ऑल्सो अगर कभी कोई आपको ग्रैब कर लेता है तो स्क्रीमिंग बचाओ, बचाओ से ज़्यादा इफेक्टिव है कि तुम आप H Nee Sa H Nee Sa वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.